आशीर्वाद ताबे से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सब। कार्यक्रम में उपस्थित सिवान जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी, महाराजगंज के माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, महाराजगंज के माननीय विधायक श्री हेम नारायण शाह जी, जीरादेई के माननीय विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, सिवान के माननीय विधायक श्री व्यासदेव प्रसाद जी, बढ़रिया के माननीय विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह जी, दरौंदा के माननीय विधायक श्री करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, श्री शिव प्रसन्न यादव जी, श्री टूना जी पांडे जी, सिवान जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संगीता यादव जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सिवान जिला जनता दल यू के अध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल जी, सिवान जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी, सिवान जिला लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री वीर बहादुर सिंह जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेतागण टुनटुन प्रसाद जी, अजय कुमार सिंह जी, कामेश्वर सिंह जी, जल जीवन हरियाली अभियान के इस जागरूकता सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव और सिवान जिले के प्रभारी सचिव श्री रवि मनुभाई परमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, सारण प्रमंडल के आयुक्त रॉबर्ट एल चौंतू जी, योजना विकास विभाग के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, जल जीवन हरियाली मिशन के मिशन निदेशक श्री राजीव रोशन जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के निदेशक श्री संजीव कुमार जी, सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा जी, सिवान कि जिलाधिकारी सुश्री रंजिता जी, सिवान के पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र झा जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, जीविका की दीदियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जल जीवन हरियाली अभियान के इस जागरूकता सम्मेलन में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी साथियों ने और उसके पूर्व अधिकारियों ने भी इस अभियान के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी दी है। आप जानते हैं जब से आप लोगों ने हमें काम करने का हम लोगों को मौका दिया है, हमने सेवा की,
न्याय के साथ विकास के मार्ग पर प्रारंभ से चल रहे हर इलाके का विकास, समाज के सब हर तबके का उत्थान, जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करना, ये सारा काम शुरू से करते रहे हम लोग, और एक नहीं अनेक काम किया। और जब भी आपने हमको मौका दिया है तो हर समय कोई ना कोई पहले से जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ और नया काम करते हैं। और आप जानते हैं कि सब कुछ हो रहा है, क्या हम लोगों का लक्ष्य था पहले, वह बिहार के सुदूर इलाकों से भी चलकर राज्य की राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय न लगे, इसके लिए हम लोगों ने सड़क निर्माण पर पूरा ध्यान दिया। लगभग वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो हम लोगों ने अब लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि 5 घंटे में पहुंचे। अब इसके लिए और नई सड़कों का निर्माण, नए पुलों का निर्माण, पुलियों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, ये सब काम हो रहा। और क्या हम लोगों का लक्ष्य, प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ेंगे, पक्की सड़क से। वो काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और सिर्फ गांव ही नहीं, जो गांव के टोले हैं, जिसका अपना कोई नाम नहीं होता, वो टोले के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हमने निश्चय साथ निश्चय में उसको भी शामिल किया, वो भी काम पूरा। तो कोई ऐसा काम नहीं जो जरूरी है वह हम लोग नहीं कर रहे। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, कितने लोग पढ़ पाते थे, 12.5% स्कूलों से बाहर रहते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए नए स्कूलों का निर्माण, और जिस समुदाय के लोगों का पता किया कि सबसे अधिक कौन स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, महादलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, इनके लिए टोला सेवक, तालिबी मरकज स्वयं सेवक के सहारे बाहर पढ़ाकर स्कूलों तक पहुंचाना हम लोगों ने शुरू किया। और आज स्थिति आ गई कि अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या बहुत कम हो गई, न के बराबर हो गई, 1% से भी कम हो गई। महिलाओं की संख्या कम थी, उनको स्कूल पहुंचाने के लिए पोशाक योजना, हाई स्कूल के लिए साइकिल योजना, सारा काम हम लोगों ने शुरू किया। और आज कितनी खुशी की बात कि अब हाई स्कूल में भी 9वीं क्लास में अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे यहां इतनी आबादी बढ़ रही है, बिहार में प्रजनन दर इतना ज्यादा है, जब आप लोगों ने काम सौंपा था तो प्रजनन दर 4.2% था, अब 3.2 पर आया है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। हमारी आबादी जितनी बढ़ती चली जा रही है, और हमारा इलाका तो वही 94,000 वर्ग किलोमीटर रहेगा, तो इसलिए और देश में जो है प्रजनन दर उससे ज्यादा, 1 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी 3 गुना से भी ज्यादा बिहार में। तो इस पर हमने सोचा कि भाई इसको क्या किया जाए, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया, अनुसंधान किया, तो जो चीज सामने आ गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर का भी प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 है, और अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश का प्रजनन दर औसत मिला अगर पत्नी इंटर पास है तो 1.7, और बिहार का जो अध्ययन हुआ कि अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां का प्रजनन दर 1.6। इसने मेरे मन में जो ज्ञान दिया कि कितनी बड़ी बात है कि अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो हमारा प्रजनन दर कम है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना है,
और तब हमने तय कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे। 6000 हो गया, बचा हुआ जो है इस साल अगले साल के अप्रैल महीने तक हर जगह 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू, यानी सबको हम पढ़ा देंगे। तो यही धीरे धीरे प्रजनन दर घटाएगा और 40-50 के बाद अपने आप आबादी घटती चली जाएगी। तो एक एक चीज पर सोचते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने क्या सोचा, 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर बिजली का कनेक्शन देने का वो पूरा कर दिया। अब हर घर नल का जल लगभग 40-45% लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और हम लोगों का लक्ष्य है अगले वर्ष जो हम लोग चुनाव में जाएंगे उसके पहले हम लोगों का लक्ष्य है, यूं तो लक्ष्य है कि अप्रैल तक ही कर देना है, लेकिन चुनाव में जाने के पहले हर घर नल का जल पहुंचा देंगे पूरे बिहार में और इस पर काम कर रहे हैं तेजी से। हर घर शौचालय का निर्माण अपने बिहार में भी और देश भर की योजना वो लगभग पूरा हो गया। और हम हर बार जब भी आते हैं लोगों को बताते हैं अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगी। तो इसलिए वो भी काम कर रहे हैं। और फिर हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 में हमने फरवरी 2006 में सर्वेक्षण कराया और पता चला कि प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक महीने में औसतन 39 मरीज जाते हैं। इसका मतलब सरकारी अस्पताल में कोई जाता ही नहीं। और जब हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, दवा का, डॉक्टर का, नर्स का, सब काम शुरू किया, तो आज आपको मालूम है 6 महीने के अंदर हम लोगों ने काम शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की संख्या खूब बढ़ने लगी। और अब आपको मालूम है औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहां जब काम दिया तब 39, अब हम लोगों का 10,000 से भी ज्यादा औसतन जा रहा है। कौन क्षेत्र में काम नहीं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हर तरह से हर प्रकार का काम हम लोग करते जा रहे हैं। तो चाहे विकास का काम, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, समाज सुधार का काम हो, यही महिलाएं बैठी हुई है भाई, आप ही लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू किया, इसको इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं होने देंगे। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, तो सामाजिक काम भी हम लोग करते रहे और विकास का भी काम करते रहे, ये सब काम। और इस बीच में हम लोगों ने जो देखा, अध्ययन किया, लगातार हम देख रहे थे कि भाई धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो रहा है, प्रदूषण की स्थिति आ रही है, एक एक चीज का हम लोगों ने मुआयना कराया। और आप सोच लीजिए पहले क्या होता था, पहले बरसात का समय शुरू हो जाता था, मानसून की शुरुआत होती थी 15 जून को, अब 15 जून को मानसून की शुरुआत होना बंद हो गया। पहले औसत वर्षापात बिहार में 1200 मिलीमीटर से लेकर के 1500 मिलीमीटर, और अब आपको मालूम है कितना घट गया। पिछले 30 साल का अगर औसत देखिए तो 1027, और पिछले 13 वर्षों का हमने औसत देखा तो यह घट करके वर्षापात हो गया है 901 मिलीमीटर। अब आप सोच लीजिए, और वर्षा की स्थिति, कभी ज्यादा वर्षा, कभी कम वर्षा, कभी बाढ़ की स्थिति, कभी सूखे की स्थिति, और उसके लिए लोग ध्यान पहले नहीं देते थे। हमने आपदा प्रबंधन का इंतजाम करवाया और 2007 में बिहार की 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई, और किस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया आज हर समय करते हैं
और ये हमने तय कर दिया कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का होगा। तो हम लोग तो ये सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये जो परिवर्तन हो रहा, ये अध्ययन करने की चीज है और ये लोगों में जागृति लाने की चीज। क्या स्थिति हो गई है, जब इतनी कम वर्षा पात और जब हो तो ज्यादा वर्षा। अब पिछले साल बताइए 2018 में 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित, और इस बार देख लीजिए हम तो शुरू से सब साथी हमारे बैठे हुए, पूछ लीजिए, हम प्रारंभ से कहते रहे कि इस बार और खराब स्थिति होगी, और क्या स्थिति हुई सोच लीजिए। जुलाई महीने में शुरुआत में 12 जुलाई से कितनी वर्षापात हो गई, कई जिले प्रभावित हो गए, उसके बाद सूखा की स्थिति, फिर गंगा नदी का जल स्तर बहुत ऊंचा होने लगा अगल बगल के जिलों में प्रभाव, और उसके बाद सितंबर के अंत में फिर अत्यधिक वर्षापात हुआ, उसके चलते अनेक जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए, जल जमाव हो गया। क्या स्थिति आ गई, हम लोगों को जितना करना है वो काम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह है कि जब ये परिवर्तन आ रहा है, वर्षापात का परिवर्तन आ रहा, कब वर्षा शुरू होगी इसका परिवर्तन आ रहा, यह सब चीज हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या हुआ, हमने इस साल शुरू में पता करवाया, हम सब बार भूजल स्तर की जांच कराते रहते हैं, तो भूजल स्तर गंगा के दक्षिण वाले इलाके में, दक्षिण बिहार में तो नीचे जाता था, उत्तर बिहार में वैसी स्थिति कम होती थी, और इस बार मालूम है दरभंगा जिले में भी भूजल स्तर नीचे है। बताइए मिथिला का वो इलाका, तो हमको ये लग गया कि भाई अब अभी अगर लोग जागरूक नहीं होंगे और हम इस विषय पर पूरी गंभीरता के साथ आगे काम नहीं करेंगे तो फिर बड़ा भारी संकट आएगा, और हम हर घर नल का जल अब पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को प्रेरित भी करना है, ये पीने के लिए पानी दे रहे हैं, इस पानी का दुरुपयोग मत करिएगा, और इन सब चीजों पर पूरा हम लोगों ने विचार किया, और विधानसभा और विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक बुलाई 13 जुलाई को, 8 घंटा से भी ज्यादा इस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और उसके बाद तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे। हमारे सभी साथियों ने बता दिया यह जल जीवन हरियाली, यानी जीवन के एक तरफ जल है और एक तरफ हरियाली है, जान लीजिए अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन है, अगर जल और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन का बचना संभव नहीं है, इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान, और हम लोगों को इस पर ध्यान देना। अब इसके लिए हम लोगों ने 11 योजनाएं हम लोगों ने इसके लिए तय कर दी। अब आप समझ लीजिए कि 11 काम और इसको मिशन मोड में हम लोग कर रहे हैं, जितना हमारा सार्वजनिक तालाब है, पोखर है, आहर है, पैन है, उस पर अतिक्रमण हो गया है, उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएं, और फिर जितने तालाब है, पोखर है, आहर है, पैन है, इनका जीर्णोद्धार कराएं। इसके बाद जितने हमारे सार्वजनिक स्थल पर कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार कराएं, ये सब काम कराएंगे, और जान लीजिए हर घर नल का जल के साथ साथ हर गांव के सार्वजनिक स्थल का, हर शहर के सार्वजनिक स्थल का कुआं का जीर्णोद्धार, और इसके साथ साथ चापाकल को भी कायम रखेंगे ठीक से, और यही नहीं ये जो कुआं और चापाकल है उसके बगल में सोखता का निर्माण कराएंगे, ताकि वो पानी जो बचता है वो सोखता के माध्यम से नीचे जाएगा, भूजल में मदद करेगा। ये सब काम, और सोच लीजिए हर जगह पोखर, तालाब, आहर, पैन, ये सब का होगा, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहां छोटी नदियां हैं उन सब जगहों पर जल संचरण हेतु
हम लोग चेक डैम का निर्माण कराएंगे, अन्य संरचनाओं का निर्माण कराएंगे, सब हम लोगों ने तय कर दिया। इसके बाद जितने भी सार्वजनिक भवन है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वर्षा जो होती है छत पर, जो वर्षापात है उसका जल संचरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको करते हैं। इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया और ये होगा तो जमीन के अंदर वो पानी पहुंचाना है। अगर तालाब और पोखर है तो पानी नीचे जाता रहेगा, तो कुल मिलाकर के जो भूजल का स्तर है वह हमारा कायम रहेगा। इसके लिए सब योजना को हम लोगों ने शुरू किया है। आज इसके बाद ये तो जल का हो गया और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। देखिए पहले चिंता लोगों को नहीं थी, बिहार झारखंड एक था तो झारखंड के इलाके में इतना जंगल है कि कोई चिंता नहीं करता था। अलग हो गया तो क्या पता चला, हम लोगों को काम सौंपे थे तो बिहार में जंगल तो बहुत कम, लेकिन और पेड़ को मिला करके जो हरित आवरण है वो 9% था। तो हम लोगों ने 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत कराई और कहा कि हम वृक्षारोपण कराएंगे। आप जान लीजिए उसके अंतर्गत 19 करोड़ वृक्षारोपण हुआ और अब हरित आवरण बढ़कर 15% पहुंचा है। अब इसके बाद इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए इस साल ही जो हम लोगों ने वृक्षारोपण शुरू किया है 1,40,00,000 से भी ज्यादा हो चुका है। अगले 3 वर्षों के अंदर हम और 8 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तो एक तरफ हरियाली आएगी, हमारे सब साथियों ने बताया भाई ऑक्सीजन चाहिए, अगर पेड़ है तभी ऑक्सीजन मिलेगा और अगर पेड़ है तब भी कुछ वर्षा होती रहेगी, ये बहुत जरूरी है वृक्ष का होना, हरियाली का होना। तो इसलिए एक तरफ जल का संरक्षण, दूसरी तरफ हरियाली को बढ़ाना ताकि जीवन सुरक्षित रहे। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान में ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद और काम क्या है, अब आप देख लीजिए अब जो मौसम में बदलाव आ रहा है उसके चलते जो परंपरागत तौर पर जो हम लोग खेती कर रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि मौसम के अनुकूल फसल चक्र 8 जिले में अनुसंधान शुरू करा दिया है कि भाई उस इलाके में कौन सा फसल चक्र बेहतर है जिससे किसान की आमदनी भी बढ़े और वो फसल नष्ट नहीं। तो ये काम कर रहे हैं, तो एक तो फसल चक्र के लिए मौसम के अनुकूल फसल और दूसरी बात एक बीमारी बढ़ रही है कृषि के क्षेत्र में, ये शुरू हुआ है पंजाब और हरियाणा में, उसको कहते हैं पराली, यानी फसल अवशेष को जला देना, यानी पुआल को जला देना। ये पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ, ये बीमारी आई शुरू हुई सासाराम रोहतास में और कैमूर में। 2 साल पहले हमने देखा पटना जिला में पहुंच रहा है, नालंदा जिला में पहुंच रहा है, पिछले साल हम देखने लगे कि अभी उत्तर बिहार में भी पहुंच रहा है। अब वो बड़ी बुरी चीज है, वो जो उसमें आग लगा देते हैं ये कंबाइन हार्वेस्टर वाला जो कटनी करवाता है वो लोगों को भ्रमित करता है और कहता है कि इसमें आग लगा दोगे तो तुम्हारे खेत की उपज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल गलत बात। और अभी हम लोगों ने इस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पटना में करवाया हमारे कृषि विभाग ने, और उसके बाद हम लोग इस अभियान को भी इसके साथ जोड़ दिए। ये नहीं होना चाहिए, उसको करने के लिए हम लोग बहुत सुविधा देने वाले हैं। जलाइएगा मत, आग मत लगाइएगा उसमें, और उसको रोकने के लिए 4-4 यंत्र को हम लोग बढ़ावा देने के लिए दे रहे हैं हम लोग अनुदान। हम लोगों ने तय कर दिया 75%। अब कौन कौन, बुआई के लिए, फसल की बुआई के लिए हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में बिछा देने के लिए रोटरी मल्चर,
फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर, और फसल काटने एवं बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र, ये सब के सहारे आप सदुपयोग करिएगा पुआल का। और एक बात हम और कह रहे हैं कि भाई पहले तो बैल से काम होता था, अब बैल धीरे धीरे खत्म, तो लोगों को लगता है कि इसका क्या करेंगे, अब तो गाय और भैंस को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, दूध का उत्पादन हो, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो हम लोग एक तो रोकने के लिए जो फसल अवशेष को जलाते हैं उसके लिए कई यंत्रों को खरीदने के लिए और उसको भी जीविका समूह से जोड़ेंगे। अभी हमने चंपारण में देखा तो ये काम की शुरुआत हुई है, ये हर जगह इसको शुरुआत करना, तो ये सब को जोड़ करके इस काम को हम लोग करवाएंगे ताकि उसको रोकें। और दूसरी चीज उससे चारा बनाने के लिए, और जो चारा बनेगा तो किसानों के चारा को भी खरीदा जाए और उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे, तो ये सब काम करेंगे। तो सिर्फ अभियान नहीं, उस अभियान को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग काम करते हैं। और इसके अलावा हर घर बिजली का कनेक्शन दे दिया, अब हम लोग चाहते हैं कि अब आप समझिए ये जो बिजली आज दुनिया में है, ये बिजली में कोयला का उपयोग होता है, और जान लीजिए कोयला की सीमा है, कुछ समय के बाद पृथ्वी से कोयला खत्म हो जाएगा, तब वो बिजली कैसे बनेगी। तो इसलिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है ऊर्जा का, सामने आपके ऊपर है सूर्य भगवान, यही ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा वो अनंत काल तक चलेगा, इसलिए सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग्स पर हम लोग शुरू करवा रहे हैं सोलर प्लेट के जरिए, तो लोगों को धीरे धीरे ये चीज की जानकारी हो जाएगी, और ये स्थायी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा, तो इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब काम किया आज हमको यहाँ आने के बाद, हम तो हर जगह जा रहे हैं और हर चीज को देख रहे हैं, आज हमको आने के बाद खुशी हुई कि आज इस एरिया में हम गए, अब देख लीजिए आपका चौर का इलाका, और जो चौर का इलाका है वो छपरा में सिवान में खूब गोपालगंज में भी, तो चौर का जो इलाका है, चौर का इलाका क्या है मतलब धरती में वो समतल नहीं है, पानी का जमाव हो सकता है, तो खेती वेती नहीं हो सकती है, लेकिन इस सौर जो जो चौर है चारों तरफ इसका उपयोग हो सकता है। और ये हम प्रारंभ से कह रहे हैं अपने अधिकारियों को, और मुझे तो आज देख करके भाई बड़ी खुशी हुई है, यहाँ चौर वाले में 35 एकड़ 6 परिवार ने चुन करके और 11 एकड़ में तालाब खोदा, और उसका जो मिट्टी निकलता है उससे बगल में खेत बना दिया, और उस खेत में पेड़ लगाया है। तो एक एक जो काम यहाँ पर हमने देखा है ये बहुत अच्छा मुझको लगा है, और यही एक मॉडल बनेगा, और हम तो चाहेंगे कि ये पूरा का पूरा, हम आज देख रहे थे आपके यहाँ इसी ब्लॉक में सिर्फ भगवानपुर प्रखंड में 2504 एकड़ की भूमि है जो चौर का इलाका वेटलैंड है, बताइए। अब यहां पर जो काम आज कुछ किसानों ने किया है, मुखिया भी है वो, उनके पिताजी से भी मिले, अन्य लोगों से भी मिले, और इन लोगों ने जो काम किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम उसको देखने के लिए आए, ये एक आदर्श बनेगा। और इसी प्रकार से हम सबको निवेदन करेंगे कि ये देख लीजिए मछली का उत्पादन हो रहा है, और जीविका समूह को जोड़ दिया जा रहा है, वो मछली की बिक्री करेगी, उसकी भी आमदनी होगी। तो ये तो एक उदाहरण है, ये तो बड़े पैमाने पर हो सकता है। आपको मालूम है हम लोगों के यहां ये चौर का इलाका ये 8 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है पूरे बिहार में,
लेकिन जो सर्वाधिक है छपरा में, सिवान में, अगर सिवान का ये मॉडल को अगर हम विस्तारित कर दें और लोगों को दिखला दें कि जरा देख लीजिए। और हमने तो कहा है कि चौर के इलाके में जो सार्वजनिक है, जो सरकार के अधीन है, उन जगहों पर सरकार की तरफ से इस प्रयोग को शुरू करा दीजिए। और जब ये प्रयोग हो जाएगा लोग देखेंगे तो और ज्यादा, जो हम लोग इतना पोखर और तालाब सबका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, नए पोखर और बन जाएंगे, बड़े बड़े पोखर बन जाएंगे। और एक बात जान लीजिए, हम बहुत साल से कह रहे हैं, अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। हमारे ऊर्जा विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, हम उसको बधाई देते हैं। अब एक काम हम करना चाहते हैं और वो है, एक तरफ ये तालाब बन गया, मत्स्य पालन शुरू हो गया, अब उसके साथ साथ हम शुरू से कह रहे हैं वो है नीचे मछली ऊपर बिजली, उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा दिया जाएगा, एक तो मछली और ऊपर से सोलर प्लेट के जरिए बिजली। आपको मालूम है 7.5 एकड़ का पोखर अगर होगा और उस पर अगर सोलर प्लांट लगाया जाएगा तो बिजली का उत्पादन 1 मेगावाट का हो जाएगा। अब कितनी आमदनी बढ़ेगी उनकी, जो भी सोलर प्लांट से बिजली आएगी राज्य सरकार सब बिजली को खरीदेगी। जो बिजली का उपयोग घर में करिएगा उससे जो बचेगा उस बिजली को हम लोग ग्रिड के माध्यम से ले लेंगे सीधे, इसलिए इसकी चिंता मत करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहां आकर के, और हम तो चाहेंगे कि ये सब काम लोग करें और इसको एक मॉडल के रूप में पेश किया जाए। और बहुत अच्छा काम आप लोगों ने कर दिया है तो मुझे खुशी है कि, और किस तरह से पेड़ वगैरह लगा रहे नीचे निजी भूमि पर, आप उसमें खस तक बीच में लगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग हो रहा है पेड़ में, अब कितना फायदा होगा खस का, कई तरह का फायदा होगा। और इससे जो कई तरह के आप चर्चा कर रहे थे उस सब से भी छुटकारा मिलेगा, ये चीज नहीं है, उसका समाधान भी है। ये जो नीलगाय कहतम गाय है जी, घुड़परास है, उसका नाम नीलगाय मत बोलिए, गाय से कोई मतलब नहीं है, नाम गाय जुड़ा हुआ है इसलिए उसको मारता नहीं, अधिकार दिया हुआ है लोगों को। उन्दम्मा जो नीलगाय कर दिया है उन्नाम गलत है, वो दूध देता है, अगर दूध देता तो उसका पकड़ के दूध नहीं पीते, ये गाय है। इसलिए इन सब चीजों पर भी जो यहां आप लोगों ने जो आइडियल बनाया है उसका लाभ होगा, उससे बचने के लिए भी उपाय होगा, इससे बड़ी खुशी की बात है। और इसको हर प्रकार से जो सहयोग राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मिल रहा वो मिलेगा, और जो ये काम हम जो कर रहे हैं नीचे मछली ऊपर बिजली, उसको हर तरह से हम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मदद करेंगे। हम लोगों का जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है उसके माध्यम से करेंगे, मत्स्य पालन विभाग है उसके माध्यम से मदद करेंगे, और सौर ऊर्जा के लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से मदद करेंगे। तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण की रक्षा होगी, तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए हम बधाई देते हैं। और ये सब काम आप कीजिए, और आज यहाँ पर आने पर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, तो इसके लिए मुझे खुशी है। और मैं विभिन्न विभागों को बधाई देता हूं कि आज 126 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 203 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसमें राजकीय पॉलिटेक्निक भवन निर्माण कार्य किया गया है, प्रखंड सूचना प्रावैधिकी केंद्र बढ़रिया का निर्माण कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनपुरा का निर्माण कार्य, सिवान में एक अतिरिक्त जिला अतिथि गृह का निर्माण कार्य, इस प्रकार से अनेक योजनाएं। और उसी तरह से आज 197 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 151 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 75 करोड़ रुपए की लागत से जो राज्य उच्च पथ है स्टेट हाईवे संख्या 101 में 2 लेन पथ निर्माण
एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 75 सड़कों का निर्माण कराया गया। यह भी हमारे विधायक जी हैं हेम नारायण शाह जी, ये पहले भी मिले थे, आज भी बोल रहे हैं 31 रोड का। इनको हम बता देते हैं कि भाई आपके 31 रोड को ग्रामीण कार्य विभाग ने मंजूरी दे दी है और उसका टेंडर भी कई का हो गया है और बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। आप कहिएगा, आप अपने से उसका शिलान्यास कर लीजिएगा, कहिएगा ग्रामीण कार्य मंत्री जी को भेज देंगे जो सबका शिलान्यास हो जाए। तो इसलिए इन सब चीजों का तो हम लोग कर ही रहे हैं। और बिजली के बारे में आप सबको बता दिया है हम लोगों ने, अब आप सोच लीजिए हम हर घर खाली बिजली नहीं पहुंचाएंगे, हमने बता दिया है कि कृषि के लिए भी सिंचाई के लिए भी बिजली पहुंचाना चाहते हैं। और इस साल जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उनका काम शुरू हो गया, कृषि फीडर बना करके उनको खेती के काम के लिए, और पहले भी हम बताते हैं उसका लाभ कितना होने वाला। डीजल से जो खेती का पटवन जिस इलाके में नहर है वहां की बात अलग, जहां नहर नहीं है लोग खेती के लिए पटवन करते हैं। तो अगर डीजल के माध्यम से पटवन करते हैं तो अगर 100 रुपया खर्च होगा तो अगर बिजली से पटवन करिएगा तो मात्र 5 रुपया खर्च होगा। अब बिजली का रेट भी हम बहुत कम 75 पैसा पर यूनिट करा दिए। तो अब ये सब काम भी साथ साथ हो रहा, सारे जर्जर तार बदल दिए जाए, हर काम हो रहा, लेकिन हम दोहरा करके इस बात को कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी है कि हम अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दें, सौर ऊर्जा पर ध्यान दें, सब कुछ निर्भर है सूर्य पर, इसलिए हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है। अब मिलकर हम लोगों को काम करना है, ये बात हम आप सब लोगों से कहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन सब चीजों पर गौर करेंगे। और आप जान लीजिए आप यह अभियान चला रहे हैं, काम शुरू कर दिया, और जहां भी कोई काम शुरू हो गया है उसको देखने हम जा रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, एक जगह के अच्छे काम को दूसरे जगह के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये यात्रा है जल जीवन हरियाली, हम आपके बीच में आए। और आपको मालूम है हमने पहले कहा महिलाओं की मांग पर शराब बंदी और लागू किया, और शराब बंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में 21 जनवरी 2017 को मानव श्रृंखला बनी। हम लोग सोचे थे 2 करोड़ लोग शामिल होंगे लेकिन 4 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए। इसके बाद बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोगों ने अभियान चलाया और 2018 के 21 जून को भी मानव श्रृंखला बनाई, 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी। और अब जान लीजिए अब जब जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने शुरू किया है तो तय किया है कि अगले महीने 19 जनवरी को, चूंकि रविवार है इसलिए 19, नहीं तो हम तो 21 सोच रहे थे, उस दिन मंगल है छुट्टी का दिन नहीं है, इसलिए रविवार को 19 जून को मानव श्रृंखला बनाएंगे जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराब बंदी नशा मुक्ति के पक्ष में, और जो बाल विवाह और दहेज प्रथा है उसके खिलाफ, ये सब मिला करके, और मुख्य जल जीवन हरियाली अभियान। तो ये जो जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में सारी बातें बता दी और ये काम हो रहा, अब सोच लीजिए अगर बचाना है अपने जीवन को तो जल और हरियाली कायम करना होगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान और इसमें सबको शामिल होना होगा, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा वह समर्पण का भाव है। तो मुझे पूरा भरोसा आप में से बहुत लोग पहले के मानव श्रृंखला में शराबबंदी के पक्ष में और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ वाले में शामिल हुए, तो इस बार भी सब लोगों से अपील कि सब लोग पूरे तौर पर मिलकर 19 जनवरी को
शामिल होइए। 11:30 बजे दिन में आधा घंटा एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग शामिल होंगे। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि अब तक के मानव श्रृंखला के रिकॉर्ड को और तोड़ दें। तो ये हमारी आपसे यही अपेक्षा है, यही निवेदन करने आए। तो मानव श्रृंखला में शामिल होइएगा ना, हाथ उठा के जरा बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया, याद रखिएगा और सब मिलकर इसको कीजिए। और एक बात जान लीजिए, इसका जो वातावरण अपने बिहार में बनेगा, सब लोग इसके लिए काम करेंगे और यहाँ जो काम होगा इसका प्रभाव दूसरे जगहों पर भी पड़ेगा। हमारे मंगल पांडे जी यही के रहने वाले माननीय स्वास्थ्य मंत्री है, ये अमेरिका गए, बिल गेट्स से बात हुई, दुनिया के सबसे धनी आदमी पहले आया करते थे, 4 साल से वो नहीं आए थे, इनके अनुरोध पर आ गए। और जब आ गए, बातचीत हुई हम लोगों से, तो जो हम लोगों ने बातचीत की उस बातचीत के बाद वो सहयोग तो करते हैं, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो कई प्रकार के ट्रेनिंग का काम है उसमें वो काफी सहयोग करते हैं। जो हम लोगों की बातचीत उन्होंने उसकी जानकारी हुई, जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में सब कुछ बताया। जब यहां से लौट करके गए, दुनिया के सबसे धनी आदमी जो अपने धन से दुनिया भर में लोगों की मदद कर रहा है सामाजिक काम में, उन्होंने क्या कहा यहां से दिल्ली जाने के बाद अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो सुखद आश्चर्य हुआ और बहुत अच्छा लगा कि जब हम बिहार गए, पटना गए, तो वहां पर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता प्रकट करते हुए और काम करने का निर्णय लिया है। इसकी चर्चा अमेरिका में होती है, इंग्लैंड में होती है, हम तो सोचे नहीं थे कि इसकी चर्चा बिहार में होगी और पटना में होगी। तो आप जान लीजिए, ऐसे लोगों को भी हम लोगों के इस अभियान की शुरुआत ने प्रभावित किया है। इसलिए याद करिए, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसके साथ जुड़ जाइए। ये एक ऐसा अभियान होगा जो शायद पूरे दुनिया में भी अपना एक उदाहरण पेश करेगा। यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए हैं और आप सब लोगों ने हाथ उठाकर इसका सहयोग और समर्थन का वचन दिया, इसमें शामिल होने का वचन दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। और भी यहां पर अन्य चीजों पर बात हुई है, मैं उन सब चीजों के बारे में, यहां मुख्य सचिव बैठे हुए, उन सब चीजों पर भी हम लोग गौर करेंगे और आगे होगा। और मेडिकल कॉलेज कैसे नहीं बनेगा भाई, यहाँ तय किए हुए मेडिकल कॉलेज, चिंता मत करिए मंगल पांडे जी, एकदम मेडिकल कॉलेज। अब उसके लिए अभी जमीन नहीं मिल रहा है तो कोई उपाय हम लोग कर देंगे, सरकार का कहीं कोई जमीन और है तो करके वो भी काम करवा देंगे, इसलिए उसकी चिंता न करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। जन जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत आपने की है और हम सब कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। बहुत आभार, कोटि शत धन्यवाद प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।